बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां पर ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। वीवीपैट और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने दो बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा है। तो जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी वीवीपैट और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने दो बिंदुओं का जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने रखा। राजा ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजा, ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी, कांग्रेस ने जो मतगणना के लिए जो याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में जी, और जो सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी आए थे और उन्होंने बताया कि फैसला सुरक्षित रखा गया है जी, और कल आज शाम तक हो सकता है इसका फैसला आ जाए। जिस तरह से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने दो बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा है, क्या इन दो बिंदुओं का खुलासा हो पाया है? नहीं, अभी सुरक्षित रखा गया, कोई खुलासा नहीं हो पाया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।